त्योहारी सीजन को लेकर ज्वालामुखी प्रशासन ने कमर कस ली है। लोगों की सेहत से किसी तरह से खिलवाड़ न हो, इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही खाद्य सामग्री व मिठाई के विक्रेताओं को मिलावटी मिठाई न बेचने के लिए सचेत कर दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि इस बीच प्रशासन के पास इस तरह की कोई भी शिकायत पहुंचती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यही नहीं, SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने मिठाई विक्रेताओं से यहां साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए साथ साथ मिठाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के निर्देश विक्रेताओं को दिए हैं। इसके अलावा खुले में बिकने वाले पदार्थों को लेकर भी प्रशासन ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि विक्रेताओं द्वारा खुले में बेचने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल ज्यादातर देखने को मिलता है कि कुछ एक मिठाई विक्रेता अपनी मिठाइयों को खुले में बेचते हैं, वो अपने सामान को ढक कर नहीं रखते हैं और कई बार लोगों को स्वास्थ्य तक खराब हो जाता है और वे बीमार हो जाते हैं। इसे लेकर प्रशासन की ओर से पहले ही सभी विक्रेताओं को सचेत कर दिया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इसके अलावा प्रशासन ने ज्वालामुखी में बिकने वाले पटाखों को लेकर स्थान चिन्हित कर दिया है। भीड़ भड़ाके जैसे ज्वालामुखी शहर में लोगों की हलचल को देखते हुए वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर प्रशासन ने इस बार ज्वालामुखी स्कूल में पटाखों के विक्रेताओं को स्टॉल लगाने की अनुमति दी है। इसके तहत अब लोगों को पटाखों की खरीदारी के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा। वहीं शहर के बाजार में इस बार पटाखा विक्रेता अपने स्टॉल नहीं लगा पाएंगे। प्रशासन व नगर परिषद ज्वालामुखी ने इस बार लोगों की सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर ये नई पहल की है। सोलन के माल रोड पर अवैध रूप से चल रही रेहड़ी फेड़ी चालकों पर नगर परिषद का डंडा चला और सभी रेहड़ी फेड़ी चालकों का सामान सड़क पर लगा था वह नगर परिषद के कर्मचारियों ने जब्त कर लिया। उपायुक्त सोलन के आदेशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई ताकि सोलन का दिल कहा जाने वाला माल रोड साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई दे। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर परिषद कई बार कार्रवाई कर चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी हल नगर परिषद नहीं निकाल पाई है। यही कारण है कि माल रोड पर प्रतिदिन रेड़ियां ज्यादा लगने लगी हैं जिसकी वजह से माल रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। जब नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई तो रेहड़ी फेड़ी चालकों ने इसका विरोध भी किया और काफी देर तक माल रोड पर हंगामा भी होता रहा, लेकिन नगर परिषद कर्मचारियों ने सभी की बातों को अनदेखा करते हुए अपना अभियान जारी रखा और माल रोड पर चल रही सभी रेहड़ी फेड़ी चालकों का सामान जब्त कर लिया। साथ ही सभी को चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में वे फिर से माल रोड पर बैठकर अपना माल बेचेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं रेहड़ी फेरी चालकों ने मीडिया के समक्ष दुहाई देते हुए कहा कि वे मेहनत कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं और किसी भी तरह का अवैध काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन उन पर इस तरह की कार्रवाई करता है तो उन्हें अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को गलत ठहराया। करेर पंचायत के घनसुई वार्ड नंबर 2 के निवासी बिशन दत्त पुत्र लेट मुंशी राम ने लगभग 10 कनाल भूमि में 110 मण मक्के की फसल की पैदावार की। वहीं आजकल के 50% किसानों ने आवारा पशुओं और बंदरों की भरमार होने के कारण खेती करना छोड़ दिया है। वहीं बिशन दत्त व उनकी पत्नी ने कड़ी मेहनत करके इतनी ज्यादा बंपर मक्की की फसल की पैदावार की। वहीं इस उपलब्धि के लिए करेर पंचायत के प्रधान सुदर्शन शर्मा ने बिशन दत्त को पंचायत की तरफ से 1500 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं बिशन दत्त बड़सर उपमंडल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आवारा पशु जंगली जानवर होने के बावजूद इतनी ज्यादा बंपर फसल की पैदावार की है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 150 इन्फेंट्री बटालियन TA पंजाब की ओर से टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए पहले दिन लगभग 1300 युवाओं ने भाग लिया। 17 से 24 अक्टूबर चलने वाली भर्ती रैली के पहले दिन पंजाब के युवाओं ने भाग लिया। 19 से 20 अक्टूबर को हिमाचल के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी भर्ती होगी।
21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ व दिल्ली के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी भर्ती होगी। 22 से 23 अक्टूबर हरियाणा के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी भर्ती होगी। 24 अक्टूबर को पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व दिल्ली हरियाणा के युवाओं के लिए ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। भर्ती रैली में भाग लेने वालों के लिए शारीरिक मापदंडों में आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, कद 160 सेंटीमीटर और वेट 50 किलो रखा गया है। भर्ती रैली में जनरल ड्यूटी के 132 ट्रेड्समैन के 10 पदों सहित कुल 142 युवाओं का चयन किया जाएगा। मेजर दिनेश शर्मा ने कहा कि भर्ती रैली में सामान्य ड्यूटी के लिए 132 पदों व अन्य 10 ट्रेडों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। उन्होंने युवाओं से दलालों से दूर रहने का आह्वान भी किया। नूरपुर के खज्जर में नूरपुर पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी की हुई थी। उसी दौरान इनोवा गाड़ी HP 682778, इस गाड़ी में दो लोग सवार थे जिनको शक के आधार पर रोका गया। इनसे लगभग 6 ग्राम के करीब चिट्टा और 65 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए, जो कि गाड़ी के अंदर सर्च करने पर बरामद हुए। नूरपुर के DSP डॉक्टर शाहिल अरोड़ा ने पुष्टि करते हुए बताया कि अक्षय कुमार पुत्र मोती राम गांव तलाटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा के कब्जे से 6 ग्राम हीरोइन चिट्टा तथा सुरजीत कुमार पुत्र विजय वीरवर्धन गांव खजन तहसील नूरपुर के कब्जे से 65 नशे के कैप्सूल, एक इनोवा कार नंबर HP 681 2778 में बरामद करके गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।